स्टूडेंट लोगों को देख रहे हैं दिमाग में ना चुनचुनी हो रहा है। क्या चुनचुनी हो रहा है? चुनचुनी ये हो रहा है सर, पांच परफेक्ट टेंस जहां इस्तेमाल करेंगे क्या वहां सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं? मीन्स आपका बोलने का मतलब क्या है? सिंपल पास्ट टेंस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट टेंस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड द सिंपल पास्ट टेंस? नहीं माय डियर, नहीं होगा तो नहीं होगा, हम बोल दिए तो बोल दिए। क्यों नहीं होगा? अरे बाबा उसमें एम बी टू, उसका उसका कहानी कुछ अलग है, उसका कहानी अलग है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि सबसे पहले पास्ट परफेक्ट का आप सबसे पहले नॉर्मल पार्ट वन सीखिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो जब इसका पास्ट परफेक्ट टेंस का पार्ट टू जब हम मारेंगे ना, तो उसमें आपको बताएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस रियल में क्या यूज होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस रियल में यूज होने के लिए दो सेंटेंस बीते हुए समय में चाहिए, आगे पीछे। मीन्स बीते हुए समय में दो काम आगे पीछे अगर होता हो तो उस वक्त में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। जैसे डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले ट्रेन खुल चुकी थी, इस तरह का अगर सेंटेंस रहेगा तो आप पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ऐसे सिंगल सेंटेंस में आप पास्ट परफेक्ट टेंस का सिंगल यूजर आप नहीं कर सकते हो। अगर सिंगल यूज करते हो तो आप सिंपल पास्ट टेंस का करो। जैसे गौर कीजिएगा, पहले हम पार्ट टू में, पार्ट वन में हम सिखा दे रहे हैं, पार्ट वन में हम सिखा देना चाहते हैं इसका सिंगल पार्ट, पार्ट वन सिखा देना चाहिए रूल। पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्मूला क्या है? पहले सब्जेक्ट लाएंगे, अगर सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर रहेगा या प्लुरल रहे, कुछ भी रहेगा, हेड लगाएंगे, नॉट रहने पर लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे, मेन वर्ड का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट। हम सिखाना चाह रहे हैं सिंगल सेंटेंस कभी भी आएगा तो पार्ट वन, ठीक है। लेकिन बेसिकली आप बता रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हम लोग हमेशा डबल सेंटेंस में करते हैं। कभी भी कोई भी पैराग्राफ लिखिएगा तो हमेशा सिंगल सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल मत कीजिएगा, तो गौर कीजिएगा एग्जांपल, ठीक है। वे लोग खाना खा चुके थे, वे लोग खाना खा चुके थे, दे हैड ईटन फूड। तो बोलने का मतलब ये हैड, और ये हमारा जो थर्ड फॉर्म देख रहे हो ना, तो इसका मतलब यह हो रहा है चुका, चुकी, चुके, और लास्ट में हमारा थे जरूर रहेगा। यही चुका, चुकी, चुके, और लास्ट में अगर है रहेगा ना तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। लेकिन चुका, चुकी, चुके, थे रहेगा तो पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका, चुकी, चुके, थे में तो पास्ट टेंस ओके रहेगा, तभी जाकर पार्ट वन मारेंगे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा माय डियर, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जब भी इस टेंस का प्रयोग कीजिएगा तो डबल सेंटेंस आना चाहिए। जैसे मेरी मम्मी मुझे बुला चुकी थी, माई मदर हैड कॉल्ड मी। आप चाहिएगा जब भी अगर सिंगल सेंटेंस इस्तेमाल करना है तो आप ये वाला ना प्रयोग करके ऐसे भी ले सकते हो, माई मदर कॉल्ड मी, सिंपल पास्ट टेंस। जब भी सिंगल बीते हुए समय में सिंगल सेंटेंस का इस्तेमाल करना है तो सिंपल पास्ट टेंस का कीजिए, डबल सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट वीडियो पार्ट टू में आपको सिखाएंगे डबल सेंटेंस, बीते हुए समय में दो काम एक संग हो रहा है, फिर जोश में ए मुन्नी, सारा डाउट नेक्स्ट वीडियो में, ओके। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ओके बाय।